हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइटामिन बी फाइव को आप सोच रहे होंगे कि हम अभी तक तो वाइटमिन से डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली मैंने वाइटमिन का एक एरा स्टार्ट किया था जिसमें मैंने कहा था कि हम वाइटमिनस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा वाइटमिन है और उसका हमारी बॉडी में क्या क्या रोल होता है सो so, आज बारी है हमारे पास वाइटमिन बी फाइव की वाइटामिन बी फाइव जिसका एनअदर नेम साइंटिफिक नेम सिंपली हम कहें तो वो पैंथोथीनिक एसिड होता है पैंटा आपको पता है पैंटो तो आपको पता है फाइव को ही खा जाता है तो इसलिए आप इसको इस तरह से याद भी कर सकते हैं अब वाइटमिन बी फाइव सबसे पहले आइसोलेट कहाँ से होता तो बेटा वाइटमिन बी फाइव सबसे पहले यीस्ट और लीवर से आइसोलेट किया गया था सो so, अब वाइटामिन बी फाइव को पैंथोथिनिक एसिड का नाम ही क्यों दिया गया इसकी रीज़न भी है रीज़न ये है कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत ज्यादा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट्स वाई इसको नेम दिया गया पैंथोथेनिक एसिड दैट्स क्लियर अगर आपसे पूछ रहा है कि वाइटामिन बी फाइव को एसिड का नेम क्यों दिया गया तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डिस्ट्रीब्यूशन सो बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी आक्रंस के बारे में कि वाइटामिन बी फाइव कहाँ कहां पाया जाता है तो क्योंकि ये तो बात मैं बता चुकी हूं कि इसको सबसे पहले आइसोलेट कहाँ से किया गया यीस्ट और लीवर से सो इट्स मीन कि ये तो इसके रिचेस्ट सोर्स हो गए इसमें हम एक और ऐड कर लेते हैं वो है एग्स अंडे यीस्ट लीवर और एग्स जो हैं यानी कि अंडे जो हैं ये वाइटामिन बी फाइव का रिचेस्ट सोर्स होता है अगर हम ये चीज़ें इंटेक कर रहे हैं तो हमें वाइटामिन बी फाइव की कभी भी डेफिशिएंसी नहीं होने वाली है वेजिटेबल्स की बात करें अगर हम तो पोटैटो जैसे कि आलू है स्वीट पोटैटो है शकरकंदी भी आप कहते हैं कैबेज ठीक है गोभी की बात करें बंद गोभी कली जो है उसके अलावा ब्रोकली जो है ये भी तीनों जो कैबेज के टाइप्स हैं तीनों जो हैं और इसके अलावा ये सारे वो वेजिटेबल्स हैं जिनको अगर हम इनटेक करते हैं तो इट्स मीन कि हमें वाइटामिन बी फाइव मॉडरेंट अमाउंट में मिल रहा है अगर फ्रूट्स की बात करें तो टोमेटो तो जाते हैं और पीनट्स वगैरह स्कीम्ड मिल्क जो है जिसकी ब्लाई नहीं होती और व्हीट प्रॉन उसके अलावा होल मिल्क जो है अगर हम लें या सेलमन ये सब जो है ये लेस इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वाइटामिन बी फ़ाइव के सो इट्स मीन की अगर रिचस सोर्स की बात करें तो वो तो यीस्ट था लीवर था और एगी था अगर हम ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो इट्स मीन हमारी बॉडी को वाइटामिन बी फाइव मिल रहा है इन मोस्ट एनिमल्स टिश्यूज़ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट अकर्स एट्स इट्स को एनजाइम अब इसका काम क्या है तो बहुत सारे एनिमल टिश्यूज़ के अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये वाइटामिन बी फाइव एज ए को एनजाइम काम कर रहा है और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका कि स्ट्रक्चर कैसा है तो पैंथोथिनिक एसिड जिसका फार्मूला है सी नाइन एच सेवनटीन एन

अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में जो ये परफॉर्म करता है मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन ऑफ द फैटी एसिड सेंसिस यानी कि फैटी एसिड एटीसेंसिस के अंदर ये एक एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन का पार्ट होता है अगर ये नहीं होगा तो इट्स मीन के फैटी एसिड की एटीटिस फैटी एसिड की एसिडिस नहीं हो पाएगी इट इन इन द फॉलोइंग रिएक्शन ये फॉलोइंग के अंदर जो है इसकी होना जरूरी होती है यानी कि इस की फॉर्मेशन के अंदर भी Uh, इसका होना जरूरी है वाइटामिन बी फाइव का फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स वो बता चुकी हूँ कि फैटी एसिड के बनाने में भी इसका जो है होना जरूरी होता है क्योंकि ये एक असायल कैरियर प्रोटीन डोमेन के एस काम करता है फॉर्मेशन ऑफ कीटो एसिड्स सच एज पायरविक एसिड कीटो एसिड यानी कि पायरविक एसिड अगर आप हाँ बात करें उसकी फॉर्मेशन के लिए भी इसका होना जरूरी है डेफिशंसी की अगर हम बात करते हैं कि इसकी डेफिशियंसी हो तो कैसे नजर आएगी तो इन ह्यूमन बींग नो डेफिनेट डेफिशंसी सेंड्रोम हैज बीन डिस्क्राइब टू पैंटोथिनिक एसिड अच्छा जी होमेन के अंदर हमने देखा है कि वैटामिन बी फाइव की ज़्यादातर ज़्याद डेफिशिएंसी नज़र ही नहीं आती इट्स मीन कि कोई ज़्यादा ख़ास इसकी डेफिशिएंसी होती ही नहीं है क्योंकि ये आपकी बॉडी में मिलती रहती है आपको आपके खुराक से मिलती रहती है इट्स कलडेशन विद एक्रोमोट्रीचिया प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स ये हो सकती है कि आपका जो आपके जो हेयर कलर है वो प्री मेच्योर ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द केस ऑफ मैन समी टाइम्स अच्छा जी ज़्यादातर देखा गया है कि इसकी डेफिशिएंसी नज़र नहीं आती लेकिन फिर भी कुछ हद हाँ तक देखी गए कि आदमियों के अंदर देखी गई बेसिकली कि उनके जो बालों का रंग जो है वो प्रीमेचोर ग्रे होना शुरू हो जाता है सो so, अगर अगर डेफिशिएंसी होती है तो फिर रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए तो डायरेट्री अलाउंस दस हैज़ नॉट बीन ऑफिशली वर्कड आउट येट फिर भी कोई ख़ास इसकी अमाउंट नहीं बताएगी लेकिन फिर भी अगर फ़ाइव टू टेन एम जी पर डे वाइटामिन बी फाइव को लिया जाए ये सजेशन है सिर्फ कि अगर फाइव टू टेन एम जी पर डे इंडेक की जाए वाइटामिन बी फाइव की तो इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है सो दैट वाज ऑल अबाउट टू लेक्चर जिसमें हमने देखा कि वाइटामिन बी फाइव यानी कि पैंथोथेनिक एसिड का नाम क्या है इसको uh, इसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट कहाँ है इसकी अक्रंस कहाँ पे है हम इसे कहाँ से ईजिली ले सकते हैं एक बॉडी को डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो उसको कितनी अमाउंट चाहिए होती है और इसका बॉडी के अंदर क्या मेटाबॉलिज्म और फंक्शन होता है सो दैट वाज ऑल अबाउट टू लेक्चर इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू